الله وبركاته. سورة النحل آية نمبر 107. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك یہ بے انہ با کا مطلب باوجہ انا بے شک ہوں وہ استحب انہوں نے پسند کیا الحیاء زندگی کو الدنیا دنیا کی علی بل الاخرہ آخرت و انا اور بے شک اللہ اللہ تعالی لا يهدي نہیں ہدایت دیتا القوم قوم کو الکافرین کفر کرنے والی اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں طبع مہر لگا دی ہے اللہ اللہ نے علی بر قلوبہم ان کے دلوں وسمعہم اور ان کے کانوں پر وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر واولئک اور یہی ہم وہ الغافلون غافل ہیں لا جرم ضروری ہے انہم انہ کا مطلب بے شک ہم وہ فی میں الاخرہ آخرت ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں ثم پھر انا بے شک ربک تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی من سے بعدی بعد ما جو فتنوا وہ آزمائے گئے ثم پھر جاہدوا انہوں نے کوشش کی جہاد کیا وصبروا انہوں نے صبر کیا ان بے شک ربک تیرا رب من سے بعدی بعد ہا اس کے لغفور لاکمت بلتا غفور معاف کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر بھی وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ غافل ہیں لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ حتمی طور پر ضروری طور پر یہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد ہجرت کی ثم جاہدوا وصبروا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا ان ربك من بعدها لغفور رحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے شرح صدر کے ساتھ خوش دلی سے سینے کی فراخی کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا دوسرے لفظوں میں دل سے کفر کو چاہا کفر کو پسند کیا کفر کو تسلیم کر لیا ان پر اللہ کا غضب ہے
इनका ये मिजाज क्यों बना कि इन्होंने कुफर को पसंद किया, कुफर इनको क्यों अच्छा लगा? आखिर कुफर के अंदर तो ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है क्योंकि बंदा ईमान छोड़ के कुफर को पसंद करे, क्यों ऐसे हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है इस बीमारी की वजह एक और बीमारी है, वो बीमारी ये है कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी। अगर ये आखिरत को मुकद्दम रखते तो कभी भी इन लोगों को जो है वो कुफर अच्छा ना लगता। कुफर अच्छा लगने की वजह ही दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। आप इस टुकड़े पर गौर कर लें, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पाए जाने वाले गुनाहों की असल वजह बयान की कि उम्मुल फसाद और उम्मुल मासी, गुनाहों की मां, फसाद की जड़, ये दुनिया की मोहब्बत है। आपको पता है जब कोई बंदा दुनिया से दिल हार जाता है ना, फिर वो कहता है यार मैंने अब क्या करना, मैं अब किसके लिए जी रहा हूं, मैं अब किसके लिए कुछ कर रहा हूं, क्यों उसकी नजर में दुनिया हकीर हो जाती है और कोई उसके सामने होता नहीं है, इसलिए वो दिल हार जाता है। लेकिन मोमिन आदमी के सामने दुनिया जलील होती है लेकिन उसके सामने आखिरत होती है, वो आखिरत को गालिब करता है और इसी वजह से फिर उसकी कैफियत ये होती है कि दुनियादार उसको ताज्जुब की निगाहों से देखते हैं, यार ये कैसा बंदा, ना इसको रिश्तेदारी की परवाह, ना इसको कारोबार के मामलात का इतना पता, और ना ये दोस्त अहबाब और परे पंचायत और मजलिसों में ख्याल करने वाला, ये कैसे लोग हैं, तंग नजर पुरानी सोच रखने वाले, ये जो दुनिया से मोहब्बत करने वाले हैं ना, ये दीनदार लोगों से ताज्जुब भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये खुद बेचारे दुनिया की मोहब्बत में गर्क हैं और इनको आखिरत समझ नहीं आ रही। गोया के भाइयों आज हम अपने सारे मामलात को देख रहे हैं, जहां जहां हमारे अंदर खराबी है उसके पीछे दुनिया है, कारोबार के अंदर झूठ है उसके पीछे दुनिया है, कारोबार के अंदर जितनी दो नंबरियां उसके पीछे दुनिया है, अकीदे में जितनी खराबियां हैं उसके पीछे दुनिया है। क्यों? अकीदे को तरजीह नहीं है, अकीदे के लिए वक्त नहीं निकाला जाता, और जितने मामलात हैं हमारे अपनी अमली कमजोरियां, इसके पीछे दुनिया है। कोई ऐसा बंदा दिखाओ जो आखिरत की खातिर गुनाह करता हो, कोई ऐसा बंदा दिखाइए कि जो आखिरत की खातिर अल्लाह की नाफरमानियां करता हो, सब दुनिया है, कोई जुबान से कहे या ना कहे। अल्लाह तआला ने यह फसाद की जड़ बता दी कि इनको कुफर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने, अब यहां से ये बात भी समझ आती है, हर अल्लाह की नाफरमानी जिसको अच्छी लगे वो बंदा समझ ले कि उसने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर मुकद्दम कर रखा है। अगर हमें गाने, फिल्में और दुनियादारियां अच्छी लगती हैं अल्लाह उसके रसूल के बर मुकाबले में, उधर दिल ज्यादा लगता है, इधर दिल नहीं लगता, तो इसका साफ मतलब है कि हमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। क्यों? कुफर तभी अच्छा लगेगा जब दुनिया आपकी नजर में बड़ी हो चुकी है। और ये जो काम है ना, दुनिया को मुकद्दम करना आखिरत पर, ये काफरों का काम है और काफरों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब देखो कहते हैं कि अल मासियतु तजरु इला मासिया, गुनाह गुनाह की तरफ खींचता है, एक बीमारी दूसरी बीमारी का सबब बनती है, फिर दो बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो तीसरी बीमारी लगती है, तीन इकट्ठी होती हैं तो चौथी लगती है। इसको कहते हैं कि गुनाह गुनाह की तरफ खींचता है और सजा दर सजा फिर मिलती है। सबसे पहली बीमारी क्या थी? दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत के नतीजे में इन्होंने क्या किया? इन्होंने आखरत को, कुफर को पसंद किया, कुफर को पसंद कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इसकी सजा इनको क्या दी? अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इनके कान, इनके दिल और इनकी आंखों पर मोहर लगा दी।
भाई मोहर तो नहीं दिखाई देती है, वो अपनी आंखों से देखते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं और अपने दिलों से सोचते और समझते भी हैं। मोहर का क्या मतलब है? मोहर का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात इनको समझ नहीं आएगी, इनके सुनेंगे देखेंगे उस पर दिल में ख्याल भी लेकर आएंगे लेकिन वो इनके दिल में नहीं उतरेगी। ऐसा सुनना नहीं सुनेंगे जो इनको तब्दील कर दे और ऐसा देखना नहीं देखेंगे जो इनके लिए बायस इबरत हो। ये होती है मोहर। अब मैं सबसे पहले अपने आप को और आप में से हर साथी अपना जायजा ले, कितनी बातें हम सुनते हैं लेकिन वो सुनना हमें कुछ फायदा नहीं देता। क्या ये मोहर की कैफियत तो नहीं हमारी? और कितनी चीजें ऐसी जो अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन वो देखना हमारे लिए कोई इबरत नहीं बनता, ये मोहर की कैफियत तो नहीं है? नसीहतें सुबह शाम होती हैं लेकिन हम डस से नस नहीं होते। वो जो दिल में ठान ली हुई है उसको पूरा करके छोड़ना, जिस चीज का एक दफा में शौक पड़ गया, जो लत पड़ी है वो तो पूरी करके छोड़नी। और दिल और चीजों पर बड़ा लेकिन आखिरत के मामले में नहीं। भाइयों ये मुकाम, बहुत सारे कुरान के मुकाम होते हैं, वो खाली तर्जमा पढ़ने वाले नहीं होते, सारे मुकाम कुरान के सोचो विचार वाले, लेकिन कुछ मुकाम ऐसे वो बंदे को वहां पर रोक देते हैं कि जरा रुक जा, कल कयामत को ना कहना कि या अल्लाह मुझे पता नहीं चला, हम तुझे आज दुनिया में बता रहे हैं ये मुकाम वो मुकाम है। किसी को छोड़ दें, बस अपने आप को हर बंदा पकड़ ले, आंखें कान और दिल मेरा किस कैफियत पर खड़ा है। मुसव्विर खैर सुबह नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने नबी हो उधर गर्दन चुकाई हो, ये मुसलमान, लेकिन हम किधर खड़े हैं? अल्लाह ताला फरमाता है इन लोगों के दिलों पर हमने असल में मोहर लगा दी है। और वउलाइका हुमुल गाफिलून, और ये गाफिल हैं, ये हैं गाफिल। गाफिल किसको कहते हैं? जो आखिरत से गाफिल हो गए, दुनिया का पढ़ा लिखा और जनाब सीएस और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां देने वाला और दुनिया के अंदर पता नहीं कितनी काबिलियतें हासिल करने वाला, आखिरत से अगर वो बेखबर है तो कुरान उसको गाफिल कहता है। और वो बंदा जिसको इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता और उसको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, उसको रियाजी भी नहीं आती, लेकिन वो रब के सामने, रब के हुकूक और उसके सब मामला को समझकर उसके सामने रोता है, रब के हाँ ये आलिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे, ऊपर से देख के पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन पूरी दुनिया को पढ़ा गए, पूरी दुनिया को रोशन कर गए। क्या आप आलिम नहीं थे? इल्म इसे नहीं कहते जिसको हमने समझा हुआ है, ये इल्म नहीं है। इल्म नाफिया, वो इल्म जो नफा देने वाला हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जिनके तीन मोहरे जिनको लग गई है गाफिल है, ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। जब एक बंदा गाफिल भी हो गया, मोहरे भी लग गई, हिदायत भी उसको नहीं मिली, उसने दुनिया की जिंदगी को पसंद भी किया और कुफर भी उसको अच्छा लगने लगा, इसका नतीजा यही है कि लाजमी तौर पर यह बंदा आखिरत में खसारे में जाए, खसारे में। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बाद मा फुतिनू, फिर बेशक तेरा रब उन लोगों को जिन्होंने आजमाए जाने के बाद हिजरत की। सहाबा इकराम आजमाए गए फिर हिजरत की, या हर वो बंदा जो किसी इलाके में रहता है और उस पर उसकी दुनिया की जिंदगी तंग कर दी जाती है, दीन पर अमल करने के लिए उसको नहीं छोड़ा जाता, खूब तंग किया जाता है उसे, ये बंदा जो है ना, ये बंदा अगर वहां से हिजरत कर जाता है, हिजरत का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जा। आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, वहां का माहौल गंदा है, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके लिए मुश्किलात हैं, बदअकीदा लोग हैं, आप वहां से छोड़ के उस मोहल्ले में चले जाएं
कि जहां पर आपके बच्चों के लिए भी बेहतर और अच्छा इंतजाम हो और आप भी फितना से बच सकें, ये भी इज्जत है। जो बंदे ने हिजरत की आजमाए जाने के बाद, यानी उसके दीन पर उसको आजमाइशें मिली और उससे हिजरत की, फिर उसके बाद अल्लाह के रस्ते में जिहाद किया, वो सबर और सबर, क्यों जिहाद और हिजरत बगैर सबर के नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है। अपना घर बार छोड़ के चले जाना और अपनी जान को चलती गोलियों और चलते हुए नेजों के आगे पेश कर देना, ये सबर के बगैर मुमकिन नहीं है। जिसने ये काम कर लिया, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम, बेशक इसके बाद तेरा रब माफ करने वाला है। जिसने ये काम कर लिया, बस उसकी माफी हो गई, रब का उस पर रहम हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।